अथांग महासागर के गर्भ में तीनों लोक में सबसे बलशाली। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और तुम्हें दिल मजबूत करना होगा। तुम्हारी जंग अपने दर तक नहीं आने देंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दुआ करता हूँ कि सब मजे में होंगे। फिर से आप सबके बीच साइंस फिक्शन एडवेंचर हॉरर फिल्म रिव्यू करने के लिए आया हूँ, तो बने रहिए हमारे चैनल JMLD एंटरटेनमेंट में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। साइंस फिक्शन एडवेंचर हॉरर फिल्म द डेविल कॉन्स्पिरेसी को 13 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में 1000 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया जा रहा है। द डेविल कॉन्स्पिरेसी के लिए थिएटर रिलीज को थर्ड डे प्रोडक्शन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। सैमुअल गोल्डविन फिल्म्स के पास फिल्म के उत्तर अमेरिकी डिजिटल अधिकारक है और इसे 2023 में कुछ समय बाद डिजिटल रिलीज भी दी जाएगी। निर्माता एड एलन द्वारा लिखी गई पटकथा से नाथन फ्रेंकोवस्की द्वारा निर्देशित किया गया है। आइए इसका कहानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक शक्तिशाली बायोटेक कंपनी के पास सफलता की तकनीक है जो इन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोगों को DNA के कुछ टुकड़ों के साथ क्लोन करने की अनुमति देती है। इस कंपनी के पीछे शैतानवादियों का एक गिरोह है जो मसीह के कफन को चुरा लेता है और उन्हें यूसी के DNA के कब्जे में रखता है। क्लोन शैतान को अंतिम भेंट के रूप में काम करेगा। महादूत माइकल पृथ्वी पर आता है और शैतान की साजिश को समाप्त करने की कोशिश करता है या नहीं, ये फिल्म आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। सैमुअल गोल्डविन फिल्म्स द्वारा डिजिटल अधिकार प्राप्त करने के बारे में पीटर गोल्डविन का यह कहना था, हम अगले साल फिल्म देखने वालों के लिए द डेविल कॉन्स्पिरेसी लाने के लिए उत्साहित है। हमें लगता है कि दर्शक स्वर्ग और नर्क के बीच लड़ाई के इस रोमांचक और महाकाव्य चित्रण को काफी पसंद करेंगे। फ्रेंकोवस्की ने कहा, एड एलन और मैं प्रतिष्ठित सैमुअल गोल्डविन के साथ साझेदारी करने के लिए उत्साहित है। हमारी फिल्म महाकाव्य प्रभाव के साथ एक रोमांचकारी सवारी है जो दर्शकों को खोजने के लिए पीटर गोल्डविन की प्रतिभा के साथ पूरी तरह से फिट बैठती है। आपने द डेविल कॉन्स्पिरेसी ट्रेलर के बारे में क्या सोचा? क्या आप 2023 में इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है तो हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।